हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में मैं आपको बाफला बाटी बनाना बताऊंगी कि कैसे हम राजस्थानी स्टाइल में बाफला बाटी बनाते हैं। उसके लिए मैंने इस तरीके के दो बाउल आटा लिया है, आशीर्वाद आटा। अब उसके अंदर मैं 2 चम्मच घी डाल रही हूँ, गाय का घी, आप कोई सा भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 चम्मच डाल दिया है। उसके बाद इसमें मैं थोड़ा मसाला डालूँगी, इतना नमक, इतनी हल्दी, थोड़ा सा कम, ओके, इतनी मिर्ची, थोड़ा सा धनिया पाउडर एंड उसके बाद देखिए 1 इलायची पाउडर मैं डाल रही हूँ इसमें। इसके बाद मैं इसका जैसे नॉर्मल कैसे आटा गूंथते हैं उससे थोड़ा सा टाइट आटा गूंदूंगी इसका। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं आटा बनकर रेडी है और मैं ऐसी बॉल्स बना लूँगी। थोड़ा थोड़ा सा आटा तोड़ के इधर से और इस तरीके की बॉल्स बना दूँगी जिसे बाटी बोलते हैं। तो मैंने 2 बना ली हैं और मैं और बना रही हूँ। उसके अलावा दाल बाटी के साथ ज़्यादातर ना हम लोग दाल बनाते हैं, काली दाल। सो मैंने 1 मुट्ठी काली दाल, उसमें 1/2 मुट्ठी चना दाल और उसमें थोड़ी सी मूँग दाल डाल के उसको बॉयलिंग पे हो रहा है, बॉयलिंग प्रेशर कुकर में 3 विसल के लिए मैंने डाल दिया है। और उसका छौंक लगाने के लिए मैंने 5 मिर्चियाँ, थोड़ा अदरक का टुकड़ा, 7-8 लहसुन के क्लोव्स और 3-4 टमाटर, इसको मैं ग्राइंड करके और उसका मसाला जब मैं दाल को छौंकूंगी उसमें इसको इस्तेमाल में लूँगी। सो बाटियाँ बनाकर और मैं आपसे वापस मिलती हूँ, बाय। सो गाइज, मैंने ना एक प्रेशर कुकर में पानी लेके और पानी के अंदर मैंने जो बाटियाँ बनाई थी उनको मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है, जैसे देख सकते हैं आप। तो ये बॉयल हो रही है, तब तक मैंने अपनी दाल जो मेरी इधर प्रेशर कुकर में डाला है जो बॉयल हो रही है उसके लिए मैंने मसाला ग्राइंड कर दिया है। तो अभी तक ये चल रहा है भाई, तो ये बॉयल हो रही है, हम चेक करते हैं। थोड़ा सा इसको हिलाने का मतलब है थोड़ा सा इधर उधर चेक करते हैं कि चिपके ना प्रेशर कुकर में नीचे पानी के, चिपके ना। और इस पर अभी मैं लेड लगा दूँगी। सो गाइज, मेरी बाटियाँ बॉयल हो चुकी है और मैंने इसको इस तरीके से बाटियों को कट कर लिया है ऐसे बीच में से, और इनको फिर से, और मैंने फिर ये ऐसे मैंने सबको कट कर लिया है और इसको अब मैं देसी घी में इस तरीके से फ्राई कर रही हूँ, तल रही हूँ इस तरीके से। बहुत टेस्टी बनती हैं ये बाटियाँ, बाफला बाटी भी बोला जाता है, कतला बाटी, कतली बाटी भी बोला जाता है इन बाटियों को। दाल बनकर रेडी है, मैंने बॉइल्ड दाल पे वो जो आपको ग्राइंड वाला मसाला दिखाया था उससे मैंने छौंक दिया दाल को। सो दाल भी रेडी है और बाटियाँ भी लगभग रेडी है। सो आप देख सकते हैं, देखिए थोड़ा सा कुरकुरी सी नज़र आ रही है हमको, इस तरीके से इनको पलटते रहेंगे ये जले में। सो बाटी बनकर, ये बाटी ये वाला बनकर, चारों एक बाटी बनकर रेडी है। तो इसको मैं टिश्यू पेपर पर So guys, ये देखिए इधर दाल और ये बाटी बनकर, ये दाल बाटी बनकर रेडी है। और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गिव इट अ बिग थम्स अप एंड प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।